हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने चैनल में स्वागत है। तो ये है जो मैंने ब्लॉग इससे पहले आया था उसका नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन का। तो यहाँ पर मैंने शाम को जो सुबह चावल बना तो बच ही जाते हैं, थोड़े ही बनाती हूँ फिर भी थोड़े बहुत बच जाते हैं। तो सुबह को मैंने बनाए थे चावल और मैंने शाम को इनको एक अलग तरीके से फ्राई कर लिया है। और इधर मैंने उबाल लिए हैं आलू। तो सब्जी और रोटी और चावल को मैं फ्राई करके, इनको ज़्यादा पसंद है तो आज था मेरा फास्ट, तो मैंने सोचा चलो इनके लिए फ्राई कर देते हैं। थोड़े ही चावल थे क्योंकि सुबह थोड़े सबने खा लिए थे, थोड़े से बच गए थे, तो उनको अच्छे से मैंने फ्राई किया है। तो फ्राई करने के लिए मैंने टमाटर, लहसुन और सूखी लाल मिर्च, तड़के के लिए टमाटर लिए हैं, प्याज लिए हैं, हरी मिर्च ली है एक, उसको भी काट लिया है, और धनिया पत्ती ली है। तो ये सब चीज़ें और 10 मिनट के अंदर ही बन जाते हैं ये चावल, बस तड़का तैयार हो जाए। चावल तो हमारे पहले से ही पके होते हैं तो इन्हें बनने में टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी, और आप इन्हें सुबह के नाश्ते में भी दे सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें अच्छे से, मतलब तड़का तैयार कर लिया है, उसके बाद में डालूँगी हरी मिर्च। हाँ, और हरी मिर्च की एक बात है कि हरी मिर्च चाहे जितनी भी कड़वी हो, अगर इसमें तड़के में पहले डाल देंगे तो उसका कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब तीखी कम रह जाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा हरी मिर्च को ऐसे ही डालती हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्याज। प्याज को भी अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। और दोस्तों, जब प्याज हमारा अच्छे से भून जाएगा उसके बाद डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर दोस्तों, और जुकाम जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, मतलब आवाज़ बहुत अजीब सी लगती है। मन करता है इस टाइम में वीडियो ना बनाए लेकिन बनानी पड़ती है, और गला भी ख़राब है, आवाज़ भी ख़राब है इस टाइम। इसके बाद मैंने डाल दी है टमाटर, और टमाटर को बस हल्का ही फ्राई करूँगी। और ये चावल बच्चे, बड़े, बूढ़े सब मतलब एक बार बनाएंगे, मांग मांग कर खाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है, हमारे सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और सभी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस चावल को डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डालूंगी, बहुत हल्का नमक डालूंगी क्योंकि सब्ज़ी के साथ ही ये खाते हैं तो ज़्यादा नमक अच्छा नहीं। बस थोड़ा सा मैंने डाल दिया है नमक, और अच्छे से मिक्स करके गैस को मतलब बंद कर दूंगी, धनिया डाल के बंद करूंगी क्योंकि धनिया भी अभी हमें डालनी है। और सब चीज़ थोड़ी थोड़ी ली थी क्योंकि चावल भी हमारे थोड़े थे, और जैसे चावल उसी क्वान्टिटी में आप हर एक चीज़ लें, थोड़ी ज़्यादा हो तो अच्छी लगती है, धनिया को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो तो और भी अच्छे लगते हैं। और देखिए दोस्तों, चावल हमारे तैयार हो चुके हैं और बहुत टेस्टी ये चावल लगते हैं। तो और टमाटर डालने से और भी मतलब अच्छे लगते हैं। कुछ लोग हैं जो बिना टमाटर के बनाते हैं लेकिन मुझे टमाटर पसंद है। तो दोस्तों, तैयार हो चुके हैं हमारे गर्मा गर्म चावल, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप सभी को, और ये फ्राई चावल कह सकते हैं और तड़का चावल बोल सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हेल्प कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, वाह वाह, टेक केयर।